ब्रेड चॉप निकल रहा है गर्मा गर्म, और पकौड़ी वगैरह सब है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में। और अभी मैं आ गया हूँ रामगढ़ कुचू चौक। जी हाँ दोस्तों, आज संडे का दिन है और मुझे लेना था हरा हरी सब्जियों के साथ साथ कुचू बाजार भी देखना था कैसा है। तो आज मैं आ गया हूँ कुचू बाजार, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी क्राउड दिख रहा है। और ये मेरे पीछे जो है ऑटो स्टैंड लगा हुआ है। अगर आप रामगढ़ से आओगे तो आप ऑटो से आपका 40 रुपये किराया में आप यहाँ पहुँच जाओगे। साप्ताहिक बाज़ार यहाँ कब लगता है भैया? यहाँ संडे और बृहस्पतिवार के दिन। तो संडे और बृहस्पतिवार के दिन आप यहाँ आ सकते हो। तो आइए चलते हैं बाज़ार के अंदर। यहाँ पे आपको 100 रुपया, 70 रुपया, 150 और भी बहुत सारे सस्ते मिलते हैं। जैसा कि भैया बता रहे हैं, यहाँ कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, और भी जो सारे घर के जो भी उपकरण है वगैरह सब सारे सब सस्ते रूप से आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं बाजार के अंदर, कुचू बाजार के अंदर, और देखते हैं कि वहाँ क्या। ब्रेड शॉप निकल रहा है गर्मा गर्म, और पकौड़ी वगैरह सब है। दादी, आप यहाँ दुकान कब से लगा रहे हैं? बहुत दिन से लगा रहे हैं। मतलब हर सप्ताह संडे को आप यहीं मिल जाएंगे? तो दोस्तों, दादी आपको हर सप्ताह आपको इसी जगह पे मिल जाएंगी। ब्रेड चॉप गरम गर्मा गर्म में आप क्या क्या आइटम रखते हैं दादी? मैंने ये ब्रेड चॉप के साथ और क्या क्या बनाते हैं? ये देखिए दोस्तों, ये गुलगुल्ला है, ये ब्रेड चॉप है, ये पकौड़ा है, और ये आलू चाप है, ये समोसा है, और भी झिलिया मिठाई वगैरह आपको यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। और इधर भी भैया का भी एक स्टॉल है। भैया, ये नमकीन वगैरह आप कैसे देते हैं भैया? नमकीन वगैरह का कुछ बताइएगा। ये नमकीन का और ये इसका 40 रुपये पाव, ये 40 रुपये पाव मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा भैया? 35 रुपये, ये 35 रुपये पाव मिल जाएगा, बिल्कुल ही फ्रेश मिलेगा आपको। और अगर आप आसपास के इलाके से हैं तो आप कुचू बाज़ार जो कि साप्ताहिक रविवार के दिन लगता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और इस बाज़ार में सब्जी के साथ साथ गर्मा गर्म चीज़ें खा सकते हैं। तो आइए बाज़ार के अंदर और चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। इधर देख पा रहे हैं कुछ बर्तन वगैरह आपको दिखाई देगा, बेल्ट बर्तन, और इधर और ये देख पा रहे हैं कपड़ों के दुकान के साथ साथ कुछ स्टॉल भी आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ 300 बत्तख भी मिल जाएगा, 350 रुपये पीस दे रहे हैं भैया। इसमें केजी से नहीं आता है ना ये? और ये देसी मुर्गा कैसे दे रहे हैं भैया? देसी मुर्गा कैसे दे रहे हैं भैया? 500 रुपये केजी आपको फुल देसी मुर्गा, देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल ही देसी मुर्गा आपको, इसका ब्रीड देख पा रहे होंगे, पूरा फुल्ली देसी मुर्गा मिलेगा। और भी देसी मुर्गा का बहुत सारा ब्रीड रहता है जो कि लगता है देसी मुर्गा है ना भैया, लेकिन ये फुल्ली देसी मुर्गा है जो आपको 500 रुपये केजी मिल जाएगा। और 350 रुपये पीस आपको यहाँ बत्तख मिल जाएगा, गोटा पालने के पर्पस से भी आप इसको ले जा सकते हो। और कुछ कुछ कपड़ों का भी मार्केट दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ भाड़ भरा माहौल है इधर। और जैसा कि देख पा रहे हैं हम, इधर कपड़े का भी बहुत सारा स्टॉल है। तो साड़ी मिल जाएगा। बस भैया, आप हमेशा लगाते हैं हर संडे को? यहाँ क्या आप साड़ी रखते हैं? साड़ी के साथ और क्या क्या रखते हैं भैया? अच्छा, क्या रेट है भैया ये साड़ी अभी जो? 850 रुपये भैया। 850 रुपये का ये साड़ी है, और लगभग
मिनिमम कितना रेंज तक से साड़ी यहाँ स्टार्ट हो जाता है भैया? ₹100 से लेके आप मैक्सिमम 1000 तक का मिलता है भैया? अच्छा, 950 तक का रेंज का आपको लगभग यहाँ साड़ी के साथ साथ बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह भी मिल जाएगा ना भैया? फ्रॉक्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही कुज्जू बाजार के अंदर आते हो तो आप यहाँ से साड़ी और साड़ी के साथ साथ बच्चियों के लिए फ्रॉक्स वगैरह भी आप ले सकते हो। ये देखिए, इधर मिट्टी के बर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ बोलिए, कैसे मटन कैसे चल रहा है भैया? क्या रेट चल रहा है मटन का? 650 रुपए आपको मटन। आप किस साइज का रखते हैं भैया मटन? यहाँ जो भी खसी रहता है 12 से 14 केजी तक में ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा माल नहीं रखते हैं। तो गाइस, अगर आप नन देहाती आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देसी बिल्कुल मिलेगा और साइज बिल्कुल 12 से 14 केजी का। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीपी का ही पेशेंट है तो आप नॉर्मली खा सकते हैं। देख पा रहे होंगे इसी साइज का यहाँ पे खस्सी और आपको बकरे मिल जाएगा, है ना भैया? तो ये आप जैसे ही बाजार से इन करोगे, अंदर आओगे तो भैया का एक स्टॉल है, यहाँ आप देख सकते हो। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप कुज्जू बाजार से जैसे ही अंदर आओगे तो आपके आपको इधर नॉन वेज मिल जाएगा। चिकन कैसे मिल रहा है भैया? 180 रुपये कटिंग मिल जा रहा है ना, ये कटिंग आपको मिल जाएगा। और इधर आप देख पा रहे होंगे ये मटन, अगर मटन के शौकीन है तो आप इधर मटन आपको मिल जाएगा, खस्सी का और बकरे वगैरह का आपको मीट इधर मिल जाएगा और मछलियों का भी इधर बहुत सारा। कैसे दे रहे भैया? 160 रुपये आपको यहाँ रेहू मछली मिल जाएगा। और ये कैसे दे रहे भैया, ये मछली कैसे दे रहे हैं? 130। कौन सा ये, कौन सा ब्रीड है भैया? कौन सा ब्रीड है? पंकज मछली आपको यहाँ 130 रुपये मिल जाएगा भैया। आप लोग रेगुलर लगाते हैं हर सप्ताह में? अच्छा, तो भैया का आपको स्टॉल आपको यहाँ मिल जाएगा मछली का, और हर साप्ताहिक रविवार के दिन आप मिल जाएंगे यहाँ ना भैया? अब मछलियों में क्या रहता है, ये पंकज और रेहू ही रखते हैं? कतला भी रहता है? अभी कतला नहीं है आपके पास? ये पंकज है, एक रेहू है। अच्छा, ये देखिए इधर आपको कतला मिल जाएगा। कतला का क्या रेट है भैया? 220 रुपये केजी कतला मिल जाएगा। ये तो ताजा लग रहा है भैया, अब कतला ताजा लग रहा है। ये सब भी ताजा है? मतलब आपको यहाँ जो भी मछलियाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रीड के, वो बिल्कुल ही फ्रेश और ताजे किस्म के मिल जाएंगे। और ये नॉन वेज के शौकीन है तो आप इधर आ सकते हैं, मटन चिकन और मछली वगैरह आपको इधर मिल जाएगा। और जैसे ही आप इन करोगे तो आपको सब्जियों का मार्केट भी आपको दिख जाएगा, जो जिससे मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। उधर भी बहुत सारा स्टॉल है। अच्छा, और इधर नॉन वेज का स्टॉल सिर्फ इधर ही लगता है भैया, और भी अंदर में भी लगता है? अंदर में भी आपको मिल जाएगा, मतलब काफी बड़ा, मेरे ख्याल से शनिचर बाजार से भी ज्यादा बड़ा यहाँ लगता है भैया, क्योंकि मैं तो शनिचर बाजार गया हूँ रामगढ़ वाला, उससे ज्यादा ही कुछ बड़ा लग रहा है मेरे, उससे बड़ा मतलब रामगढ़ का शनिचर बाजार से ज्यादा बड़ा बाजार यहाँ लगता है। और भीड़ भी बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे शनिचर बाजार की अपेक्षा, आप देख पा रहे होंगे। ये कैसे दे रहे भैया? चिंगड़ी मछली है ना भैया? ये कैसे दे रहे हैं? 600 रुपए केजी ये चिंगड़ी मछली है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ये ताजा है ना भैया? ये ताजा चिंगड़ी मछली भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप रामगढ़ कुज्जू बाजार आप आ सकते हैं और मछली का आनंद उठा सकते हैं, मटन का आनंद उठा सकते हैं और चिकन का आनंद उठा सकते हैं। और भी बड़े तादाद में उधर नॉन वेज का भी स्टॉल लगता है। ये मैं एक साइड आया, इसके पीछे भी लगता है, आप देख पा रहे होंगे। ये इधर आगे तो सब्जियों का ही है ना भैया? इधर सब्जी का स्टॉल है इधर। फ्रेंड्स, ऐसे ही रामगढ़ से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए हमारे रामगढ़ देसी ब्लॉग को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।